हाय व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट शमीम जॉन और आज चर्चेज ऑफ पाकिस्तान की डॉक्यूमेंट्री सीरीज में जो चर्च हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो है लाहौर में एम्प्रेस रोड पर वाक़ सेंट एंथनीज चर्च। पहले पहल तो ये चर्च रेलवे चर्च कहलाया, मगर बाद अज़ां इसका नाम तब्दील करके सेंट एंथनीज चर्च रखा गया जो आज भी पुकारा और जाना जाता है। सेंट एंथनी, जो कि एंथनी ऑफ पादुआ के नाम से जाने जाते हैं, 1195 में पुर्तगाल के एक शहर लिस्बन में पैदा हुए। आप एक नेक सिफ्त इंसान और मुकद्दस काहिन थे और आपका ताल्लुक फ्रांसिस्किन जमात से था। आप खोई हुई चीज़ों के मुरब्बी हैं और आज जिस जगह पे हम मौजूद हैं ये चर्च इसी मुकद्दस हस्ती के नाम से मंसूब किया गया है। और सेंट एंथनीज चर्च एम्प्रेस रोड लाहौर पर पहला रोमन कैथोलिक चर्च है। ये जो सेंट एंथनी चर्च है जो कि 1889 में वजूद में आया, मुकद्दस एंथनी ऑफ पादुआ जिनका तल्लक 12वीं सदी से है और वो एक मुकद्दस हैं, एक रास्तबाज इंसान थे, काहिन थे और जो इस बात के लिए मशहूर हैं कि वो खोई हुई चीज़ों के मुरब्बी हैं, खोई चीज़ों को वापस लुटाने में मुरब्बी हैं। वो खुदा से ख़ास दुआ करते हैं, उनके हम ख़ास अकीदत करते हैं, नवीना करते हैं मुकद्दस एंथनी का। इससे पहले इस रोड पर, एम्प्रेस रोड पर दो तारीखी चर्च मौजूद थे, सेंट एंड्रूज और एक प्रेस्बिटेरियन का। तो यहाँ पर ज़रूरत महसूस हुई थी क्योंकि वर्कर्स लोग जो थे रेलवे के ज़्यादातर थे और क्योंकि चर्च ऑफ पाकिस्तान यानी कि सेंट एंड्रूज और प्रेस्बिटेरियन के लोग यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन कैथलिक कलीसिया का चर्च यहाँ पर मौजूद नहीं था। और जो ज़रूरत थी कि यहाँ पर एक कैथलिक चर्च हो, तो 1889 में यहाँ पर ये इस चर्च की तकदीस हुई, 19 मार्च 1889 में। तो इस चर्च की तकदीस जो बिशप बेल्कमैन्स थे, जो बेल्जियम थे, कैप्टन ग्रानेसन का तल्लक था, उनके हाथों से इस चर्च की ब्लेसिंग हुई, तकदीस हुई। तो लाहौर डायसिस में इस चर्च की एक ख़ास पहचान है, ख़ास हसीयत है। शहर लाहौर अपने सकाफती विरसे और तारीखी अहमियत की हामिल इमारतों के हवाले से पूरी दुनिया के सयाहों के लिए अपने अंदर कशिश रखता है। और शहर लाहौर में मौजूद कदीम गिरजाघर ना सिर्फ तारीखी एतबार से बल्कि अपने मुनफरिद तर्ज तामीर के एतबार से भी अपने अंदर जाज़बियत समोए हुए हैं। सेंट एंथनीज चर्च का आर्किटेक्चर स्टाइल न्यू गॉथिक आर्किटेक्चर स्टाइल है जिसका आगाज़ 18वीं सदी ईस्वी में इंग्लैंड से हुआ था। और बेसिकली अगर हम देखा जाए उस वक्त इस टाइम पे यहाँ पे ऐसा होता था कि वो इंग्लैंड के जो एलिमेंट्स थे आर्किटेक्चर स्टाइल एलिमेंट को यहाँ पे ले आए थे। इसकी वजह से अगर हम इसका पूरा आर्किटेक्चर देखें तो इसमें हर जगह पर हमें कोई ना कोई एलिमेंट वो उनकी निशानदेही करेगा कि ये उनका एलिमेंट है।
आयरा चर्च की एक्सटीरियर डिटेल के बारे में कुछ बताइए, ये जो कॉलम्स हैं या पिलर्स हैं इनको क्या बोलते हैं? एक्चुअली अगर हम इन कॉलम्स को देखें तो ये टर्रेट्स यूज़ किए गए हैं जो कि गॉथिक न्यू गॉथिक आर्किटेक्चर का एक स्टाइल है, लेकिन ये एक स्ट्रक्चरल एलिमेंट के तौर पर भी यूज़ हुआ है जिसके ऊपर जो है लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर के तौर पर भी यूज़ हुआ है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि अगर हम इसके ऊपर काम देखें ना तो ये ब्रिक यूज़ की गई है और उसके ऊपर उन्होंने क्लैडिंग जो है वो ब्रिक से की है और उसके ऊपर उन्होंने ना ब्रिक को जो आप देखते होंगे कि वो एक मेहरून सा रेडी सा कलर होता है तो उन्होंने उससे मिलता जुलता जो है वो पेंट का कलर इस टाइम कर दिया हुआ। इसके अलावा शमीम हम एक और चीज़ देखते हैं कि इसके ऊपर आप देख रहे होंगे कि डेकोरेटिव एलिमेंट चल रहा है, ये गॉथिक आर्किटेक्चर का ही एक एलिमेंट है जिसको फ्रीजेस बोलते हैं। सामने बड़ी खूबसूरत स्टेन्ड ग्लास विंडो नज़र आ रही है और इसके ऊपर एक परिंदे का इमेज भी है और कुछ लिखाई भी है इस पर, इसका मतलब बताइएगा, इसका थियोलॉजिकल क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये रूल कुदस के नजूल को जाहिर कर रहा है जो कि यीशु मसीह के आसमान पर उठाए जाने के बाद रूल कुदस पे रसूलों पे यीशु मसीह के रसूलों पे रूल कुदस नजूल हुआ था। और उसके साथ जो हम देखेंगे कि कुछ ना कुछ उर्दू में लिखा हुआ है वो एक्चुअली रूल कुदस के फल हैं जिसके अंदर जो कि रूल कुदस के फल जो है वो उसके शागिर्दों को दिए गए थे कि उसके मुताबिक वो अपनी मुनादी करें। मायरा, चर्चेज में टावर क्यों बनाया जाता है और क्या चर्च टावर के बगैर परफॉर्म कर सकता है? नहीं, समटाइम्स जो हिस्टोरिक अगर चर्चेस देखें तो उसमें जो टावर है वो एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता था जो कि उसके आर्किटेक्चर फीचर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता था। आमतौर पे टावर ये नहीं था कि डेकोरेटिव एलिमेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है, समटाइम्स हाँ ये एक हद तक जो था वो एक एम्फोसिस के पॉइंट पर ही होता था कि आप एंटर हो रहे हैं तो आपको एक बहुत बड़ी एक बादशाही वाली जैसी एंट्रेंस मिल रही है जिसमें आपको ये फील होता था कि आप यीशु मसीह की बादशाहत में दाखिल हो रहे हैं। हम चर्च के आर्थिक्स में मौजूद हैं और हम देखेंगे कि इस चर्च का आर्थिक्स, इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है और हम मायरा से ये पूछेंगे कि इसकी हाइट और इसके डोर का इतना बड़ा होना क्या एलिमेंट किसको जाहिर करता है? एक्चुअली अभी हम जिस एक स्पेसिफिक पॉइंट में खड़े हैं इसको अगर हम रोमन लैंग्वेज में देखें और अगर हम इसको आर्किटेक्चरल लैंग्वेज में चर्च आर्किटेक्चर के लिहाज से देखें तो इसको नार्थिक्स बोला जाता है। नार्थिक्स एक्चुअली ये होता है कि आप एक डबल हाइटेड शो करते हैं। अगर हम अपनी ह्यूमन हाइट के अकॉर्डिंगली देखें और नॉर्मल हाइट जो आजकल हमारी यूज़ होती है बेसिकली उससे डबल है। अगर हम इसके गेट की तरफ देखें जो कि इसका मेन डोर है, ये है कि ये एक एम्फोसिस पॉइंट है। एम्फोसिस पॉइंट ये होता है बेसिकली कि आप एक किसी स्पेसिफिक जगह पर अंदर आ रहे हैं। अगर हम यहाँ पे जैसे एंटर होते हैं तो हम इसको एक बिब्लिकली रेफरेंस से ये प्रेजेंट करते हैं कि हम खुदा की बादशाहत में एंटर हो रहे हैं। अब चर्च के नेव में एंटर होते हैं, उसमें हम बाकी आर्टिफैक्ट्स को भी देखेंगे। इससे पहले कि हम चर्च में दाखिल हों, ये बेसन जो यहाँ पे मौजूद है इसकी क्या थियोलॉजिकल रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पे? एक्चुअली ये बेसन जो है ज़्यादातर कैथलिक चर्चेज में यूज़ होता है। इसका मतलब ये होता है कि आपने यहाँ पे होली वाटर डाला जाता है। होली वाटर जो कि इसके चर्च के प्रीस्ट या फादर जो हैं वो ब्लेस करते हैं। आमतौर पर जब हम लोग इसके अंदर एंटर होते हैं तो हम इस पानी को ले कर अपने ऊपर सलीब का निशान बनाते हैं और अपने आप को ब्लेस करते हैं कि हम यीशु मसीह की बादशाहत में यीशु मसीह के अजीम मकाम में अजीम जगह पे हम लोग एंटर हो रहे हैं। हम सेंट एंथनीज चर्च की नेव में मौजूद हैं और इसके इनसाइड चेंबर में जितने भी आर्टिफैक्ट्स हैं हम मायरा से बातचीत करेंगे उनके बारे में और सीखेंगे कि वो किस किस चीज़ की रिप्रेजेंटेशन है। जी तो मायरा, दिखाइए हमें कि जिस तरह ये वॉल पे बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स लगे हुए हैं, वॉल रिलीफ हैं,
और उनमें कुछ ना कुछ तस्वीर हैं। इन तस्वीर का क्या मतलब है और वो क्यों यहाँ पे अवेजा हैं? एक्चुअली सबसे पहले जो है हम लोग एक एलिमेंट की बात करते हैं जो आर्चेस पे हैं, इसके एंट्रेंस पे अगर हम देखें तो इसकी जो तादाद है वो तीन है। तीन जो तादाद है वो एक्चुअली होली ट्रिनिटी को शो करता है। होली ट्रिनिटी का जिसका जिक्र मकदस मत्ती की इंजील उसका 28 पाप उसकी 19 आयत में भी मिलता है। और अगर हम एक चीज़ देखें कि इसके अंदर एक और बहुत सी चीज़ है जो कि आपको दूसरे चर्चेज में नहीं मिलेगी, वो ये है कि यीशु इधर 14 स्टेशंस यूज़ किए गए हैं। 14 स्टेशंस जो कि यीशु मसीह के आखिरी वक्त में जो 14 मकाम थे जिसके अंदर यीशु मसीह ने दुख सहते हुए जो 14 मकाम थे ये उनको उन्होंने क्राफ्ट किया गया। हमारा हम ऑल्टर पे मौजूद हैं और इस ऑल्टर पे हम देखते हैं कि फोर डिफरेंट आर्चेस हैं। ये फोर डिफरेंट आर्चेस क्यों हैं और इनका क्या मतलब है? एक्चुअली अगर इन फोर आर्चेस की जो रिप्रेजेंटेशन है वो बाइबल मुकद्दस में से ली गई है। अगर हम नए आयतनामे में देखें तो उसमें चार मेजर अनाजील हैं जो कि मुकद्दस मत्ती की अंजील, लुका की अंजील, यूहन्ना की अंजील और मुकद्दस मरकज की अंजील है। उसकी वजह से ये चार आर्चेस बनाई गई हैं क्योंकि ये उन मुकद्दसीन की जो है उनको शो कर रहा है। और अगर हम देखें तो ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट को भी शो करता है क्योंकि खुदा की जो मुनादी है या खुदा की जो तबलीग है वो हर कोने में दुनिया के पहुँची गई थी, इसलिए इनको चार आर्चेस में बनाया गया है। हमें बड़ी खूबसूरत स्टेन ग्लास विंडोज़ नज़र आ रही हैं इस चर्च में। आप बताइएगा कि इनके अंदर क्या कहानियाँ छुपी हुई हैं। अगर हम इस विंडो को देखें तो इस विंडो में यीशु मसीह की ज़िंदगी का एक वाक़या बताया गया है जिसका जिक्र जो है वो मुकद्दस लूका की इंजील में है, जिसमें यीशु मसीह जब तूफ़ान आता है यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ जो है कश्ती में सफ़र कर रहे होते हैं तो उसी दौरान में जो है तूफ़ान आता है और यीशु मसीह के शागिर्द जो हैं वो घबरा जाते हैं, तो यीशु मसीह उस टाइम जो है वो हवा और पानी को जो है और बारिश को जो है और तूफ़ान को जो है हुक्म देता है जिसमें वो कह देता है कि आप मतलब उसको स्टॉप कर देते हैं। और फिर जो यीशु मसीह अपने शागिर्दों से कहता है कि तुम्हारा ईमान कहाँ है क्योंकि तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ी है, क्या तुम्हारे में इतना ईमान नहीं था कि मैं तुम्हारे साथ हूँ तो ये ऑटोमेटिकली थम जाएगा। इसकी बेसिकली स्टोरी ये बताई गई है। और आप जितने भी इसके अलावा जितने भी आप स्टेन ग्लास देखेंगे उन हर स्टेन ग्लास में यीशु मसीह की ज़िंदगी के वाक़यात दिखाएंगे जो कि हमारे इंसानी बिलीफ को जो है वो स्ट्रॉन्ग करने में हमारी मदद करता है। चर्च के एग्जिट में हम देखते हैं कि ऊपर गैलरी मौजूद है। यहाँ पे गैलरी बनाने की क्या वजह थी? नहीं, एक्चुअली ये हर चर्च में तो मौजूद नहीं होती। अगर हम बहुत सारे हिस्टोरिक जो पुराने चर्चेज हैं उसमें देखा जाए तो ये एलिमेंट उनमें पाया जाता है। इसका मकसद ये था कि जब पहले ज़माने में लोग इसको एज अ क्वायर के तौर पे यूज़ करते थे कि क्वायर यहाँ पे बैठ के गीत गाए और खुदावंद यीशु मसीह की हमद सना करें, लेकिन अब जो है अब इसको एज अ सिटिंग कैपेसिटी यूज़ किया जाता है और जो क्वायर है उसको ऑल्टर के करीब किया जाता है ताकि उसकी आवाज़ वहाँ से आए। अब बहुत सारे चर्चेज में वैसे भी जो है वो ये नहीं बनाई जाती, गैलरी नहीं बनाई जाती।
व्यूअर्स, पाकिस्तान के ये चर्चेज ना सिर्फ अपने इबादत गुजारों को खुदाए कुल आलम से राजो नियाज के लिए पाकीज़ा जगह मुहैया करते हैं, बल्कि मजहबी रसूमात और पाक सैक्रामेंट की अदायगी के लिए भी पूरी आज़ादी और खुशी का बायस हैं। मसीही लोग ना सिर्फ इतवार को चर्च आते हैं, बल्कि हफ्ते के बाकी अयाम में भी अपनी अकीदत का इजहार करते हैं, अपनी मुनाजात खुदाए सालूस के सामने रखते हैं और मुनाजात के पूरा होने के बाद उस खुदा का शुक्र अदा करने के लिए भी चर्च में तशरीफ लाते हैं। कैथलिक चर्च की खूबसूरती है कि इसकी जो जुग्राफियाई हदूद है वो हमारे बिशप साहबान ने मुकरर की हुई है। तो जैसे मैंने पहले बताया कि पाकिस्तान के अंदर 7 डायसिस हैं, डायसिस के बाद फिर 2 आर्च डायसिस हैं, कराची और लाहौर, और डायसिस के बाद फिर होता है पैरिश। तो पैरिश एक जुग्राफियाई हदूद है जिसमें एक जो पैरिश प्रीस्ट है वो इंचार्ज होता है, उसके साथ और भी प्रीस्ट होते हैं जो उसके असिस्टेंट मामन होते हैं और उसके बाद मनासिबान होते हैं। तो जो पैरिश प्रीस्ट है वो मुकम्मल तौर पर इंचार्ज होता है कि अपनी पैरिश के जो मोमिनीन हैं, कॉन्ग्रीगेशन है, उनके ईमान को, ईमान के फ़रोग़ के लिए काम करे, उनके खुशी गमों में शामिल हो और हर तरह से जो भी उनकी ज़रूरियात हैं उनमें मददगार हो। तो इसके साथ पैरिश प्रीस्ट के साथ असिस्टेंट फादर होता है, प्रीस्ट होता है और मनासिबान जो कैटेकिस्ट हैं। तो हमारी पैरिश में ये एक तकरीबन 2500-3000 के करीब ख़ानदान है। हमारी जो इबादत हैं, हमारे जो सैक्रामेंट्स हैं, 7 सैक्रामेंट हैं, वो 7 सैक्रामेंट परफॉर्म किए जाते हैं जिसमें पहला बपतिस्मा है। कैथलिक चर्च में बच्चों के बपतिस्मे पर जोर दिया जाता है, बड़े भी लेते हैं, लेकिन हम कैथलिक कलीसिया के जो काहिन और कलीसिया है वो इस बात पर जोर देती है कि हम बचपन ही से, पहले ही दिन से, जब ये मिशनरी आए थे तो रवायात बताती हैं कि लोग उसी दिन, जिस दिन बच्चा पैदा होता है उसी दिन बपतिस्मा करवाते थे, ताकि जो हम मरूसी गुनाह में, गुनाह की हालत में पैदा होते हैं उससे हम पाक हो सकें और हमें पाक करने वाला फजल मिल सके। और क्या था कि इसके साथ हम मसीह के, मसीह कलीसिया के रुकन बनते हैं। पहले ये बच्चा एक छोटे ख़ानदान का रुकन है, माँ बाप के ख़ानदान का रुकन है, लेकिन जब वो कलीसिया का रुकन बनता है, बपतिस्मा पाता है, तो वो आलमगीर कैथलिक ख़ानदान का हिस्सा बन जाता है, रुकन बन जाता है। तो कलीसिया बहुत शादमानी के साथ उसे कबूल करती है और मसीहत में शामिल करती है। अपने खुदावंद की गवाही देते हैं कि उसकी अंजील की गवाही देते हैं, और ना सिर्फ हम अपनी बातों से बल्कि अपने कामों से। जैसे कि आप जानते हैं कि मुल्क के अंदर हमारे बहुत सारे अदारे हैं जिसमें तालीम के मैदान में हमारी जो कलीसिया है, मसीही कलीसिया, उसने बहुत सारी खिदमत पेश की है, और अमन इंसाफ के मामले में बहुत ज़्यादा खिदमत पेश की हैं, जिसमें हम बिला तफरीक, मसीहत का एक पहचान है कि बिला तफरीक हम काम करते, ये नहीं है कि बस ये क्रिश्चियन है, ये नहीं है। पाकिस्तान की अफवाज में हमारे बेशुमार लोग हैं जो खिदमत कर, जिन्होंने खिदमत की बेशुमार कारनामे सर अंजाम दिए, जिनमें हमारे बुज़ुर्ग थे सिसल चौधरी साहब, ठीक है, उन्होंने 1971 की जंग में और उसके बाद दूसरी भी उन्होंने फ़ज़ाइया में बेशुमार खिदमत की, और ये इन्होंने एक जुरत का मुजाहरा किया था। मुझे इस बात पर फ़ख्र है कि मेरे अपने ख़ानदान में से
मेरे दो मामों के बेटे, वो पिछले जब सवात का ये सारा सिलसिला चल रहा था तो उसमें वो शहीद हुए थे। तो बेशुमार लोग हैं, बेशुमार जो लोग हैं जो खिदमत करते हैं और अपने आप को फ़ख्र महसूस करते हैं कि हम अपने इस मुल्क के लिए काम करते हैं। पाकिस्तान के अंदर और पूरी दुनिया में कहनों को कलीसिया मोमिनीन जो हैं बहुत ख़ास अकीदत देते हैं, प्यार करते हैं और उनका ईमान है कि कहन जो हैं हमारे लिए खुदा से बरकत, फजल और सलामती का बाइस हैं और सैक्रामेंट को अदा करते हैं। जी तो व्यूअर्स, ये था हमारा चर्चेज ऑफ पाकिस्तान की सीरीज़ का प्रोग्राम सेंट एंथनीज चर्च पर। उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने होस्ट शमीम जॉन को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी चर्चेज ऑफ पाकिस्तान के अगले प्रोग्राम में। टिल देन, खुदा हाफिज़ एंड कीप वॉचिंग डिस्कवर पाकिस्तान।